हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाएंगे सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट चॉकलेट केक, जो उसमें फ्रॉस्टिंग भी एकदम चॉकलेट की होगी और गनाश के साथ। मैंने गनाश की भी रेसिपी शेयर करी है और इसको मैंने एकदम कढ़ाई में बेक किया विदाउट एनी ओवन, और बहुत ज़्यादा सुपर सॉफ्ट और मॉइस्ट बना था। अभी मैं आपको इसको कट करके दिखाऊंगी। हाँ, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और ये देखिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट केक बना था, कोई कह नहीं सकता कि ये कढ़ाई में बना, वो भी एगलेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कढ़ाई ली है, उसमें नमक डालेंगे, और ऐसी कोई आपके पास अगर प्लेट हो तो इसको रख के 10 मिनट के लिए प्री हीट होने देंगे। उसके बाद 2 टेबल स्पून जो है रिफाइंड ऑयल लिया है, और इसके बाद मैंने इसमें 1/3 कप दही ली थी, 1 कप चीनी, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्योंकि जितना अच्छा फेटेंगे उतना अच्छा इसमें एरिएशन होगा। उसके बाद मैंने 1 कप मैदा लिया है और छान के, और 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा डालेंगे। ये है सीक्रेट इंग्रेडिएंट अपना मिल्क पाउडर, इसको डालेंगे और सबको अच्छे से मिला लेंगे। आप मैंने दूध लिया, उसमें सिरका डाल के साइड में रख देंगे ताकि मिल्क जो है अच्छे से फट जाए। उसके बाद मैंने इसमें दूध डाल के इसकी एक अच्छे से परफेक्ट कंसिस्टेंसी बना लेंगे, रिबन जैसी जो एक केक की होती है। उसके बाद मैंने जो सिरके वाला मिल्क था इसको डाल के अच्छे से फेंट लेंगे, सिरके एक बार ज़्यादा वेट नहीं करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे वनीला एसेंस और चॉकलेट एसेंस डाला था, आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो, बट इससे एक अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर इसके बाद मैंने इसको केक टिन में ट्रांसफ़र कर दिया था। अब चलेंगे इसको बेक करने के लिए। मैंने इसको रख के 50 मिनट्स के लिए बेक किया था मीडियम टू लो हीट पे। और हाँ, अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और ये देखिए अभी इसको इंसर्ट करके देखेंगे, चाकू एकदम क्लीन आई, मतलब कि हमारा केक एकदम अच्छे से पक चुका है। अभी ये थोड़ा गर्म होता है तो इसको क्या करेंगे कि निकाल के इस पर एक कपड़ा रख देंगे कि जब तक दूसरा काम करेंगे तब तक ऊपर की जो लेयर है वो मॉइस्ट रहे, सूखे नहीं। अब चारों तरफ एक चाकू घुमा लेंगे और घुमाने के बाद देखिएगा बहुत आसानी से जो है निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने बटर पेपर लगाया था, अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो आप आटा मतलब मैदा डस्ट कर लेंगे थोड़ा सा तेल लगा के, उसके बाद धीरे धीरे इसके लेयर्स जो है कट करेंगे। पिछले में लेयर थोड़ी टूट गई थी, इस बार क्या करेंगे पहले हल्का सा कट लगा देंगे रेफरेंस के लिए, उसके बाद धागा डाल के अच्छे से खींच लेंगे। बहुत आसानी से हमारा केक जो है आसानी से लेयर्स में डिवाइड होगा। देखिए इतना जालीदार स्पॉन्जी बना, कोई कहेगा कि एगलेस है। अब इसके बाद यहाँ पे 1 कप मैंने क्रीम ली है, इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। इसको तब तक बीट करेंगे जब तक ये स्टिफ पीक ना बनने लगे, और देखिए गिर भी नहीं रही है बाउल उल्टा करने पर। अब यहाँ पे मैंने डार्क चॉकलेट या गनाज बनाने के लिए पीछे से मेरा भाई तंग कर रहा है, उसकी आदत होती है जब भी वीडियो बनाओ तो पीछे में आके कुछ ना कुछ उल्टा सीधा करता रहता है। देखिए उसके बाद इसको कट कर लेंगे और जितना हमें गनाज बनाना है, तो यहाँ मैंने चॉकलेट ली है, थोड़ा सा क्रीम डाला है, और इसको डबल बॉयलर मेथड से इसको पिघला लेंगे। इसको डायरेक्ट आँच में मत रखिएगा वरना चॉकलेट जो है वो जल जाएगी। अब बस हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी गनाश की एकदम तैयार है, इसको साइड में रखेंगे। आप इस शुगर सिरप बनाएं, 1 चम्मच चीनी और 1 चम्मच पानी डाल के घोल के रख लेंगे, पिसी हुई चीनी थी। अब जो क्रीम व्हिप्ड की थी उसमें थोड़ा सा चॉकलेट गनाश डालेंगे, इसको अच्छे से मिला लेंगे, हमारी फ्रॉस्टिंग तैयार है। अब मेरे पास केक टर्नर नहीं था, यहाँ पे कोई भी कटोरी लीजिए और इस पर ऐसी तरह से चकला रख दीजिए। अब मैंने यहाँ पे केक बोर्ड लिया है और शुगर सिरप से इसको अच्छे से मॉइस्ट करेंगे, ये स्टेप जरूर करिए, इससे मॉइस्ट रहता है। और उसके बाद क्रीम लेंगे और इसको अच्छे से चारों तरफ फैला देंगे, खूब ढेर सारी क्रीम, ऊपर से फिर से थोड़ा सा चॉकलेट गनाश, आप अपने हिसाब से ओपन मतलब कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद फिर से वही शुगर सिरप, फिर चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, फिर गनाश, फिर अच्छे से सबको कवर कर देंगे। और ये बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मेरी क्रीम एकदम पिघलने लगी थी, फिर मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ऊपर से देखिए थोड़ी सी मैं फिनिशिंग दे रही हूँ, उसके बाद मैंने ऊपर से चॉकलेट गनाश गिरा दिया था, और उसके बाद जो भी थोड़ी सी डिज़ाइन बना दी थी और फिर चॉकलेट इस तरह से ग्रेट करके डाल दी थी। और ये देखिए हमारा सुपर सॉफ्ट मॉइस्ट केक एकदम जो है तैयार है। अब इसको कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अगर आपका भी मन हो कभी चॉकलेट केक खाने का तो आप इसको आसानी से घर पर बना सकते हो।